सिंध में होने वाले तमाम इलेक्शंस मुलतवी बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला एक माह ताखीर से होगा। NA 245 के ज़मीनी इंतखाबात भी मुलतवी हो गए। नोटिफिकेशन कल जारी किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने इंतखाबात मुलतवी कराने की दरख्वास्त दी थी। ज़मीनी इंतखाब 27 जुलाई और बल्दियाती इंतखाब 24 जुलाई को शेड्यूल थे। वोटों से हार गए, अब नोटों और लोटों से जीतने की कोशिश हो रही है। तख्ते लाहौर की जंग में पैसों के बोरे खुल गए। PTI के MPA चौधरी मसूद 40 करोड़ रुपए लेकर तुर्की भाग गए। फवाद चौधरी का इंकशाफ, अवाम ने चौधरी मसूद के घर का घेराव कर लिया। कारकुन लोटे लेकर पहुंच पाए। फैसलाबाद से मुंतखब MP उमर फारूक को भी पैसों की ऑफर, इनकार किया तो लीगी उंडे धमकियों पर उतर आए। सोशल मीडिया पर लोटों के खिलाफ ट्रेंड शुरू हो गया। लाहौर में सिंध हाउस की कहानी दोहराई जा रही है। हमारे MPs को 50-50 करोड़ की ऑफर की जा रही हैं। इमरान खान का इंकशाफ, कहा इस हॉर्स ट्रेडिंग का मास्टरमाइंड आसिफ अली जरदारी है, उसे जेल में होना चाहिए। हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए कप्तान खुद मैदान में आ गए। वजीर अला पंजाब के इलेक्शन खुद मॉनिटरिंग करेंगे। तमाम मसरूफियात तर्क कर दी, कल लाहौर पहुँचेंगे। आसिफ सरदारी, राना सनाउल्ला और अता तारड़ को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। फवाद चौधरी का मुतालबा, कहा पैसों के जरिए जमहूरियत चलनी है तो कैसे मामला ठीक होंगे। जमहूरियत और सियासत में पैसों का लेन देन खत्म होना चाहिए। चौधरी शुजात के इनकार के बाद ही रेट बढ़ाए गए। जरदारी जो पैसे ऑफर कर रहे हैं ये उनका नहीं, सिंध के आवाम का पैसा है। नाले खोलने के लिए पैसे नहीं लेकिन अरकान खरीदने के लिए हैं। लीगी रहनुमा अता तारड़ बद्दुआओं पर उतर आए, कहते हैं अगर आपके MPO को पैसों की ऑफर की हो तो मुझ पर अल्लाह का कहर नाजिल हो, अगर आपने झूठ बोला है तो आप पर अल्लाह का कहर नाजिल हो। चौधरी मसूद ने 3 अप्रैल 2022 को इस्तीफा दिया था। फवाद चौधरी के तमाम इल्जाम बेबुनियाद हैं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का एक और फैसला मुस्तरद कर दिया। रावलपिंडी के हल्का PP 7 के नतज रोक लिए गए। दोबारा गिनती की दरख्वास्त चीफ इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी गई। 21 जुलाई को चीफ इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त गुजार को सुनकर फैसला करेंगे, अदालत का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने रिकाउंटिंग से इनकार किया था। हमजा शहबाज की उम्मीदों पर ओस पड़ गई। चौधरी शुजात ने तमाम दावों की तरदीद कर दी। पॉलिसी बयान में कहा परवेज इलाही ही वजारत आला के उम्मीदवार हैं, जिनको मैंडेट मिला हुकूमत करना उनका हक है। किसी किस्म के लेटर जारी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सफाई पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, गिनती के चक्रों से निकला जाए। शाह महमूद कुरैशी बोले हमारा नंबर गेम मुकम्मल है, परवेज इलाही मुश्तरका उम्मीदवार है। वज़ीर आला के इंतखाब से पहले जोर तोड़ तेज हो गया। चीना ग्रुप ने परवेज इलाही को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। ग्रुप के अराकीन की तादाद 14 से 20 हो गई। PTI और काफली के अरकान लाहौर के मुकामी होटल पहुंच गए। होटल में 200 कमरे बुक कराए गए हैं। आज पार्लियामानी इजलास में 176 अरकान शरीक हुए, बाकी अरकान बीमारी और दूर होने की वजह से शिरकत ना कर सके। सियासी बहरान के नतीजे में मुआशी तबाही, डॉलर ने मईशत तबाह कर दी। इंटरबैंक में 2.92 रुपए महंगा हो गया, 224 रुपए 91 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी ऊंची उड़ान, 1 रुपए इजाफा हो गया, 225 रुपए पर जा पहुंचा। फरवरी से अब तक डॉलर के मुकाबले में 45 रुपए गिरावट। पुराने पाकिस्तान में इजाफी आलमी कर्जा 4000 अरब रुपए बढ़ गया। और मुआशियत में इस्तेकाम से महंगाई का तूफान आएगा। आप जो मर्जी बीन बजाते रहें, आवाम को आप पर एतमाद नहीं है। शौकत अलीम कहते हैं हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मिफ्ता इस्माइल, चूरन बेचना बंद कर दें। 100 दिनों में डॉलर 43 रुपए महंगा हुआ, 7.3 ट्रिलियन कर्जा बढ़ा। मुजम्मिल असलम बोले आवाम भूल जाएँ, डॉलर 225 रुपए से नीचे जाएगा। 1 लाख की LC के लिए 8 दिन इंतजार करने का कहा जा रहा है। हेडलाइंस आपने मुलायजा किया और अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम मेरी जंग। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए bolnews। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।